हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने औद्योगिक महत्व के अंदर जो मुख्य रूप से अल्कोहल आते हैं उसमें मेथेनॉल के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एथेनॉल की, कि भाई एथेनॉल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल कैसे बनाते हैं। तो इसमें दो विधियां हैं। सबसे पहली आती है सीरे द्वारा, वर ऐसा ही है सीरा। सीरा क्या होता है तो आपको इसमें मैं बता देता हूं। सीरे की परिभाषा क्या होती है कि जो गन्ना होता है, हम जो गन्ना लेते हैं, ठीक है, गन्ने में से जब क्रिस्टल शर्करा या शक्कर जो होती है उसको जब बाहर निकाल दिया जाता है या इसे पृथक किया जाता है, तो गन्ने से क्रिस्टल शर्करा को पृथक करने के बाद पीछे लाल गाढ़े भूरे रंग का एक द्रव शेष रहता है। क्या होता है? लाल गाढ़े भूरे रंग का एक द्रव शेष रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। अब सीरा वो नहीं है जो अपन खाते हैं, ठीक है, ये एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ हुआ। तो ये जो सीरा होता है, इस सीरे के अंदर शर्करा मुख्य रूप से, जिसमें कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज, और क्या पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। तो पहले क्या कहेंगे हम, सीरा किसे कहते हैं? तो गन्ना जो होता है, गन्ने में से क्रिस्टलीय शर्करा को बाहर निकालने के बाद पीछे लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव जो शेष रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और सीरे के अंदर शर्करा होती है, जिसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज और क्या पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाए जाते हैं। अब हम इसमें आगे कि भाई एथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं, तो एथेनॉल प्राप्त करने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार से स्टेप दिए गए हैं। तो इस स्टेप में सबसे पहला आता है तनुकरण। क्या लिखते हैं अपन? तनुकरण। तनुकरण का मतलब ये है कि जो ये हमने यहां से सीरा प्राप्त किया है, इस सीरे का तनुकरण करना है। गाढ़ा द्रव है, इसको तनु विलयन के अंदर क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, सीरा पहले लेते हैं और दूसरा लेते हैं इसमें जल। इन दोनों का निश्चित आयतन लिया जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1:5। क्या लेते हैं? 1:5, यानी एक भाग सीरा और पांच भाग क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो पानी मिलाने पर सीरे का जो विलयन, जो पहले इसमें लिखा हुआ है ना, गाढ़ा द्रव जो होता है वह तनु विलयन के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। तो हमें इसके अंदर सीरे का क्या प्राप्त होता है, तनु विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं अपन, तनुकरण करते हैं, पानी मिलाकर इसको बिल्कुल क्या कर देते हैं, द्रव मतलब लिक्विड जो होता है, जो बहुत ही इसमें तनु विलयन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब एक चीज और आपको कह देता हूं कि ये जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसके थ्योरेटिकल जो नोट्स है वो फोटो के रूप में इस वीडियो के साथ में लास्ट में अटैच कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको इसमें अब स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो डायरेक्ट आपको बताना है, शॉर्ट में याद रखिएगा कि भाई ये किया, ये द्रव प्राप्त हुआ सीरा, सीरे को पहले क्या किया अपन ने, तनुकरण किया। सेकंड पॉइंट इसका आता है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट है वो ये है, देखो, या आप ऐसा करो, ये शॉर्ट के हिसाब से ना, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो सेकंड भाग बी, ये जो तनु विलयन बनाया है, इस तनु विलयन के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए सेकंड भाग आता है इसमें बी, वो है अमोनियम आयन और अम्ल मिलाना। अब लिखा बाद में है अम्ल मिलाना, लेकिन पहले मिलाते हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने ये सीरे का तनु विलयन लिया है, तो सीरे का तनु विलयन लिया हमने, ठीक है। अब इस विलयन के अंदर हम तनु ये मिलाते हैं H2SO4, क्या मिला देते हैं, H2SO4 मिला देते हैं कुछ मात्रा में। तो कुछ मात्रा में जब इसमें अम्ल मिलाएंगे, तो अम्ल मिलाने का इसकी पीएच जो होती है, इस विलयन की पीएच हो जाती है 4 से 5 के बीच में। किसकी? इस विलयन की। इस विलयन की पीएच हो जाएगी 4 से 5 के बीच, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अम्लीय विलयन होगा तो अम्लीय विलयन में क्या होता है, लंबे समय तक ये खराब नहीं होगा, ये क्या रहेगा,
चलता रहेगा, इसका उपयोग जैसे अपन करते हैं, तो ये लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, अम्ल मिलाने के बाद फिर अम्ल मिला और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट या फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, ये इसके अंदर मिला लेते हैं। किसमें? इस विलयन के अंदर। जब ये इसमें मिलाएंगे तो इसमें मिलाने का मुख्य कारण होता है कि जो यीस्ट होती है, यीस्ट जानते हो ना, यीस्ट के लिए ये भोजन का कार्य करते हैं। क्या? भोजन का कार्य करते हैं। कौन? ये दोनों पदार्थ। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, देखो पहले क्या किया, तनु विलयन, तनु विलयन के बाद इसमें हमने पहले H2SO4 मिलाया, H2SO4 मिलाने पर इसकी पीएच परिवर्तित हो जाएगी, पीएच बदलने के बाद फिर इसमें हम ये दोनों पदार्थ मिला देते हैं, या दोनों में से कोई भी एक मिलाते हैं जो इसमें यीस्ट के लिए क्या करता है, भोजन का कार्य करता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब थर्ड स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, खमीर मिलाना। क्या मिलाना? खमीर। थर्ड स्टेप में आता है खमीर मिलाना। अब खमीर कैसे मिलाते हैं वो देखो आप, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो अभी अपन ने ये सेकंड स्टेप से जो विलयन बनाया है, इस विलयन को लकड़ी के एक बॉक्स के अंदर, लकड़ी के एक बॉक्स के अंदर इसमें लेते हैं, लकड़ी का बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर इस विलयन को भर के, ठीक है, और इसमें क्या मिलाते हैं अपन, खमीर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? खमीर मिलाते हैं। और इस लकड़ी के बॉक्स को बंद करके पूरा एयर टाइट कर दो ताकि अंदर वायु इतनी प्रवेश नहीं करे, ठीक है, और फिर इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसको अपने जैसे जो कमरे का तापमान होता है, कमरे का तापमान कितना होता है याद है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 के हिसाब से अगर अपन इसको केल्विन में बदलते हैं तो 298 केल्विन से 303 केल्विन तक तापमान पर इस बॉक्स को 4 से 5 दिन तक रखा जाता है, 4 से 5 दिन तक ऐसे पड़ा रहने देंगे। ठीक है, तो क्या किया, लकड़ी का बॉक्स लिया, उसमें वो विलयन डाला, विलयन डालने के बाद फिर इसके अंदर अपन ने क्या किया, खमीर डाला, खमीर मिलाया, खमीर मिलाने के बाद इसको इतने केल्विन ताप के ऊपर क्या कर दिया, 4-5 दिन के लिए रख दिया। अब जब इसे रखते हैं तो रखने पर इसमें दो क्रियाएं होती है, कितनी क्रियाएं, दो क्रियाएं होती है, तो सबसे पहली क्रिया जो होती है वो ये है कि खमीर में, खमीर के अंदर एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे कहते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है कि इस विलयन के अंदर जो शर्करा होती है, जो हमने पहले भी बताया है, उस शर्करा का अपघटन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा कि ये जो शर्करा होती है, इस शर्करा का अपघटन करता है। कौन? इन्वर्टेज एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम इस शर्करा का अपघटन कर शर्करा को किसमें बदलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, वापस सुन लो, शर्करा का अपघटन कौन से एंजाइम के द्वारा, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। और उसी दौरान जब ये बनते हैं तो इसके बनने के बाद ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो होता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो होता है, इस फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम, कौन सा, जाइमेज एंजाइम, जो किसमें उपस्थित होता है, खमीर के अंदर उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होगा, खमीर में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से कोई भी एक जो भी शर्करा होती है उसको जाइमेज एंजाइम क्या करता है, तोड़ता है और इसे किसमें परिवर्तित करेगा, एथेनॉल में बदल देता है, किसमें, एथेनॉल में परिवर्तित करता है। देखो इसकी अभिक्रिया यूं है, C6H12O6, ये जाइमेज एंजाइम। ठीक है, अब ये जाइमेज एंजाइम क्या कर रहा है, इसको एथेनॉल में बदल रहा है, तो C2H5OH प्लस साथ में क्या बनती है, CO2 बनती है।
अब देखो कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, इधर 12, इधर है हाइड्रोजन 5 और 1 6, तो इसके आगे आप 2 लिख दो, 2 लिखते ही कार्बन हो जाएंगे इधर 4, तो इधर 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6, ये समीकरण ऑटोमेटिकली समीकरण क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है, इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम किसमें परिवर्तित करता है, एथेनॉल में। लेकिन ये जो एथेनॉल होती है इसका केवल हमें 10-15% विलयन ही प्राप्त होता है, कितना 10-15% ही विलयन प्राप्त होता है। लेकिन ये 10-15% का विलयन है इसे वाष्प कहा जाता है, क्या कहते हैं, वाष्प कहा जाता है। वापस सुन लीजिएगा क्या करना है इसके अंदर, देखिए ध्यान से, किस हमने खमीर लिया, खमीर को इसमें डाला लकड़ी के बॉक्स में, विलयन के साथ में मिलाया, फिर उसे क्या करते हैं 298 से 303 केल्विन ताप पर 4-5 दिन तक पड़ा रखते हैं, ठीक है। तब इसमें दो क्रियाएं होगी, पहली क्रिया ये होगी कि खमीर के अंदर जो इन्वर्टेड एंजाइम है वह एंजाइम सल्करा को किसमें परिवर्तित करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। और फिर इसी के अंदर उपस्थित जाइमेज एंजाइम जो होता है वह क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। अब इसकी क्रिया मैंने यहां बता दी कि ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, जाइमेज एंजाइम एथेनॉल और किसमें CO2 में इसे परिवर्तित कर देगा। ये एथेनॉल जो हमें प्राप्त होता है ये केवल 10-15% विलयन के रूप में प्राप्त होता है। अब हमें तो बनाना है अधिकतम मात्रा में, लेकिन केवल 10-15% विलयन है, तो इसको वाष्प कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्प। और लास्ट स्टेप आएगा इसका जिसे कहते हैं वाष्प का आसवन, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखिए इसका डी पोर्शन आता है, ठीक है, वो है वाष्प का आसवन करना, किसका, वाष्प का। तो डी में हम लिखते हैं, देखिएगा डी पोर्शन आएगा वाष्प का आसवन, वाष्प का आसवन। और इसके आसवन के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं कॉफी का भबका, क्या नाम देते हैं, कॉफी का भबका। एक आप ईथर वाले पाठ के अंदर पढ़ोगे ईथर का भबका, भबके का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा मतलब एक रूम जितना एक कक्ष होता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि छोटी छोटी नलियां होती है जिसमें गर्म वाष्प जो होती है वो प्रवाहित की जाती है, तो वो भबका हो गया एक तरह से, उसे अपन जैसे ओवन कहते हैं ना, ज्यादा ताप पर गर्म करना, तो वो ये कॉफी का जो भबका होता है इसके अंदर जब इसका आसवन करते हैं, इसका वाष्प का, तो वाष्प का आसवन जब इसके अंदर किया जाता है तब जो हमें एथेनॉल प्राप्त होता है वह एथेनॉल होगा 90%, कितना 90% होगा, ठीक है। फिर इसी एथेनॉल का दोबारा वापस क्या करते हैं अपन, आसवन करते हैं, फिर दोबारा आसवन किया जाता है, तो दोबारा आसवन करने पर हमें एथेनॉल जो प्राप्त होगा वो 95.5% एथेनॉल प्राप्त होता है, और साथ में इसके अंदर क्या हो गया 4.5% क्या होता है, जल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वाष्प का जब आसवन किया जाता है कॉफी के भबके नाम के उपकरण के अंदर, तो वाष्प जो होता है वो एथेनॉल में बदलता है जिसमें कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 90%। पहले कितनी थी, 10-15%, अब ये किसमें परिवर्तित हुई, 90% के अंदर। अब फिर दोबारा वापस इसी का आसवन करेंगे तो 95.5% एथेनॉल और 4.5 ये होता है। तो ये जो होता है इसे नाम दिया गया है परिशोधित, ध्यान रखिएगा परिशोधित स्पिरिट, क्या नाम देते हैं, परिशोधित स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। तो ये सीरे के द्वारा किस प्रकार से, हम तो पहले क्या करोगे, सीरा लोगे, सीरा क्या होता है, गन्ने के क्रिस्टल प्राप्त, शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद पटा बचा हुआ जो विलयन होता है गाढ़ा द्रव, वह फिर सीरे का तनुकरण करते हैं, फिर उसमें अमोनिया और क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, फिर उसमें खमीर मिलाते हैं, तो इन्वर्टेड एंजाइम शर्करा को किसमें बदलेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, और फिर दोबारा वापस उसमें जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें परिवर्तित करेगा, एथेनॉल में। वो एथेनॉल होता है वाष्प जिसमें 10-15% विलयन है, फिर आप इस वाष्प का आसवन करते हैं तो कॉफी के भपके में, फिर 90%, फिर वापस इसका वापस आसवन करोगे तो 95.5% एथेनॉल का
विलयन प्राप्त होता है। तो ये पहला भाग है जो हम औद्योगिक स्तर के ऊपर सीरे के द्वारा करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड भाग इसका आता है, सेकंड वो है स्टार्च युक्त पदार्थ से एथेनॉल प्राप्त करना। देखो ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा भाग आता है स्टार्च युक्त पदार्थ से एथेनॉल प्राप्त करना, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो तीन स्टेप है, जैसे इसमें थे वैसे ही। तो इसमें सबसे पहला भाग आता है सैकरीकरण, सैकरीकरण पहला भाग। सैकरीकरण का मतलब होता है शर्करा जो होती है, ठीक है। तो सैकरीकरण के दो पॉइंट हैं, जिसमें पहला आएगा मैश बनाना। क्या बनाना? मैश का निर्माण। मैश देखो, मैश का मतलब आप समझते हो ना, जैसे आलू है, आलू उबाला हुआ है, उसके ऊपर अपन उसको पेस्ट में बदल दें तो उसको मैश चीज कही जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैश के लिए गेहूं या अन्य कोई भी जो धान होता है, अनाज जो होता है, वहां अनाज लेके और प्लस साथ में क्या मिलाते हैं, आलू। आलू के क्या करो आप, टुकड़े करो, आलू के क्या करते हैं, टुकड़े, ठीक है। और इनको मिक्स करके और इसे उच्च ताप एवं दाब पर, उच्च ताप और दाब पर क्या करते हैं, उबालते हैं या गर्म करते हैं। देखो उबालना है पहले, तो क्या करेंगे, गेहूं है या कोई भी अनाज दिया, अनाज और आलू वगैरह सब साथ में डाल के और फिर इसको क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें जब उबालते हैं तो उबालने के लिए इसमें साथ में क्या चाहिए, भाप यानी वाष्प की आवश्यकता होती है। जब इसको उबालते हैं तो इसमें से स्टार्च जो होता है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, स्टार्च अलग हो जाएगा और शेष विलयन जो है, जो इसमें शेष विलयन रहता है, इस शेष विलयन के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पानी। देखो क्या करना है, पहले अनाज दिया, इसके साथ में आलू के टुकड़े लेके और इसको उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, भाप की उपस्थिति में। जैसे ही गर्म किया तो इसमें से जो स्टार्च है वह स्टार्च क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और शेष विलयन जो रहता है उसमें अपन क्या मिला देते हैं, पानी मिलाते हैं। और पानी मिलाने के बाद इसके अंदर जैसे ही पानी मिलाएंगे तो दूधीय रंग का या दूधिया रंग की लई जैसा पदार्थ इसके अंदर प्राप्त होता है। लई जैसा पदार्थ इसमें क्या होगा, प्राप्त होगा। लई आप जानते हैं ना, जैसे आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदे तो अगर मान लो आटे की मात्रा कम और पानी थोड़ी ज्यादा हो जाता है, पानी तो मिक्स कैसा होता है, एकदम अलग सा, तो उसे लई, तो लई जैसा पदार्थ इसके अंदर बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं, मैश कहते हैं। तो ये सैकरीकरण की पहली अभिक्रिया, पहला पद है जिसमें हम कहते हैं कि मैश का निर्माण कैसे करेंगे, तो गेहूं धान कोई भी अनाज लेते हैं जिसमें ये सब शर्करा वगैरह साथ में रहती है, तो वह उसके साथ में आलू ले लिया, आलू के अंदर आपको पता है माल्टोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये ले लिया, फिर इसको गर्म किया, स्टार्च अलग हो गया और शेष विलयन में पानी मिलाते हैं, तो क्या होता है, दूध या लई जैसा पदार्थ हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको मैश कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर सेकंड भाग, इसमें सैकरीकरण में देखो सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है हमारे, इसमें किसमें, ये जो स्टार्च से अपन अलग कर रहे हैं तो इसके अंदर अपना यही भाग आता है, सेकंड भाग आता है माल्ट बनाना, माल्ट या माल्ट सत्त का निर्माण, सत्त बनाना। अब क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो अंकुरित जौ होते हैं, जौ जो होता है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, अंकुरित ज्वार या हम क्या कहते हैं, जौ,
जो अनाज के रूप में रहता है ना, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में एंजाइम होता है जिसका नाम है डायस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब होता यूं है कि ये जो अंकुरित ज्वार होते हैं, इस अंकुरित ज्वार या जो को ही अपन क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। अंकुरित ज्वार या इसको ही अपन क्या नाम देते हैं, माल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले इस अंकुरित ज्वार को लीजिए। अब अंकुरित कैसे करते हैं, तो बड़े बड़े पात्र जो होते हैं, बड़े बड़े ठीक है ना थाल होते हैं, उन थाल के अंदर इस ज्वार को रखे, उसको पूरा पानी से भर लेते हैं और कमरे के ताप के ऊपर 10 दिन 15 दिन तक उसको क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अंकुरित होने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये अंकुरित ज्वार है। ठीक है, अब डायस्टेज एंजाइम इसके अंदर क्या होता है, भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इस अंकुरित ज्वार को सबसे पहले पीसते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालो और इसको पीस लो, और पीसने के बाद अब ये जो अंकुरित ज्वार है इसको क्या करते हैं, पीसा जाता है। ठीक है, पीसा जाता है और पीसने के बाद इसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, साथ में पानी मिलाकर पीसते हैं, और पीसने के बाद इसको छाना जाता है, वापस क्या करते हैं, छाना जाता है। तो छानने पर जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसको क्या नाम देते हैं, माल्ट सत्व के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं, वापस सुन लो, कि जो अंकुरित ज्वार है इसमें पानी मिलाकर उसको पीसते हैं, पेस्ट बनाते हैं, और पीसने के बाद उसे छानते हैं, छानने के बाद जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, माल्ट सत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मैस है इस मैस के साथ में माल्ट सत्व को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और कुछ समय या कुछ दिनों के लिए ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब जब रखेंगे तो इसमें भी दो प्रक्रियाएं होगी। पहला काम किसका होगा, डायस्टेज एंजाइम का। क्या होता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये जो डायस्टेज एंजाइम है, मिटा दो इसे, तो माल्ट सत्व जो होता है, ठीक है, अब देखो सेकंड, ये सैकरीकरण की क्रिया हो रही है। कौन सी, सैकरीकरण की क्रिया। तो सैकरीकरण की क्रिया के अंदर ये माल्ट सत्व और प्लस जो हमने मैश लिया है, इन दोनों का जो मिश्रण है, ठीक है, इस मिश्रण के अंदर ये डायस्टेज एंजाइम जो होता है, कौन सा, डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, जो इसमें उपस्थित शर्करा होती है, क्या शर्करा जो होती है, इस शर्करा को ये माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देगा। किसमें परिवर्तित करेगा, माल्टोज में शर्करा को। कौन सा एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम का काम है कि इसके अंदर जो शर्करा होती है उस शर्करा को किसमें परिवर्तित कर देगा, माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और फिर वापस इसी में माल्टोज जो होती है, माल्टोज का सूत्र क्या लिखते हैं, C12H22O11। इस माल्टोज का अपघटन इसके अंदर वापस जो होगा, वो माल्टोज का अपघटन जो होता है, अब माल्टोज का अपघटन कौन करता है, माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, और ये इसको परिवर्तित कर देगा C6H12O6 के अंदर, किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। तो इसके कितने अणु है, देखो दो, C12 H कितने हो गए, 22 और 2 24, ये हो गए 12 2 24 और O6 से आगे 2 12 हो गए, तो 11 और 1 12। तो देखो क्या हुआ, माल्ट सत्व और मैश को जब मिलाते हैं तो पहली प्रक्रिया होती है किसकी, डायस्टेज एंजाइम की। डायस्टेज एंजाइम क्या करेगा, शर्करा को माल्टोज में परिवर्तित करेगा, और इसी के अंदर उपस्थित जो माल्टोज होता है, माल्टोज क्या करता है, माल्टोज के अंदर जो ये माल्टेज एंजाइम जो इसके खमीर के अंदर जो इसमें उपस्थित होते हैं, ये माल्टेज एंजाइम इसका अपघटन कर इसको किसमें परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे आता है, अभी ये ए था, अब बी में क्या होगा, बी के अंदर वापस हम लेते हैं ग्लूकोज का, या ग्लूकोज को किसमें
एथेनॉल में बदलना, किस में बदलना, एथेनॉल में। ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करते हैं, एथेनॉल में। तो सीधी सी बात है कि जब हम इसमें ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, अब इसको किस में परिवर्तित करना है, एथेनॉल में, तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है, जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, वही एथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 के अंदर इसको परिवर्तित कर देगा। अब वही स्टेप आएंगे वापस कि ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन से एंजाइम के द्वारा, जाइमेज एंजाइम जो इसमें उपस्थित होता है, ठीक है ना, जाइमेज एंजाइम जो होता है वह इसे एथेनॉल और CO2 में बदल देता है। अब ये एथेनॉल जो हमें प्राप्त होता है ये 10 से 15% विलयन है, कितना, 10 से 15% विलयन, जिसे अपन क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। और लास्ट स्टेप आएगा वापस कि वाष्प का आसवन क्या करना, वाष्प का आसवन किसके द्वारा, कॉफी का भभका नामक जो उपकरण होता है, इस उपकरण के अंदर इस वाष्प का आसवन किया जाता है। और जब इसका आसवन करेंगे तो हमें कितने प्रतिशत, 90% एथेनॉल प्राप्त होगा, कितने प्रतिशत, 90%। इसके अंदर आसवन करेंगे किसमें, कॉफी के भपके में 90% होगा। फिर इसका दोबारा पुनः आसवन करने पर ये किसमें बदल जाएगा, 95.5% एथेनॉल में बदल जाएगा, और प्लस साथ में क्या होगा, 4.5% क्या होगा, इसमें जल रहता है, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया था अभी, परिशोधित, क्या नाम देते हैं, परिशोधित स्प्रिट, क्या नाम देंगे, परिशोधित स्प्रिट, ठीक है। तो देखो आप, पहले हमने क्या किया, स्टार्च युक्त पदार्थ के अंदर सबसे पहले सैकरीकरण, इसमें माल्ट बनाया, माल्ट के साथ सॉरी मैश बनाया, मैश के बाद इसमें माल्ट, दोनों लिए, मैश में तो क्या हुआ, अनाज वगैरह आलू वगैरह लेके उसको उबाल के फिर इसको मैश कर दिया। और इसमें माल्ट के अंदर क्या करते हैं, अंकुरित जव होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद उसमें क्रियाएं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम ने पहले क्या किया, शर्करा को किसमें बदला, माल्टोज में। फिर माल्टेज एंजाइम जो होता है वह माल्टोज को किसमें परिवर्तित करता है, ग्लूकोज में। फिर हमने ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित किया, एथेनॉल में। फिर एथेनॉल जो वाष्प बना है उस वाष्प का कॉफी के भपके में आसवन करते हैं तो पहले 90% और फिर उसका दोबारा आसवन करते हैं तो 95.5% एथेनॉल और 4.5% क्या होता है, जल, जिसे नाम क्या दिया है, परिशोधित स्प्रिट। तो ये दो विधियां हैं जिसमें हम लेते हैं एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर चार परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, वो आपको बता देता हूं, सिंपल वे में आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहली आती है इसमें नाम, पहले देखो एक नंबर का आधे नंबर का सवाल आता है, पहला आएगा परिशुद्ध अल्कोहल, पहला क्या आएगा, परिशुद्ध अल्कोहल, बिल्कुल प्योर अल्कोहल क्या होगा, जिसमें क्या हो 100% क्या हो, अल्कोहल उपस्थित हो 100%। अगर उसके अंदर अल्कोहल उपस्थित होता है, ठीक है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। दूसरा आता है, हमने अभी लिया था परिशोधित, परिशोधित और क्या लेते हैं, स्प्रिट, है ना, अभी लिया था इसके अंदर। तो परिशोधित स्प्रिट क्या होता है, 95.5% एथेनॉल, 95.5% एथेनॉल प्लस 4.5% जल, इन दोनों का मिश्रण जो होता है इसे क्या नाम देते हैं, परिशोधित स्पिरिट। तीसरा आता है इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो है पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल, ठीक है। पावर अल्कोहल का मतलब ये होता है कि जो पेट्रोल होता है, क्या नाम देते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल में एथेनॉल, एथेनॉल प्लस बेंजीन और प्लस क्या मिलाते हैं, इथर मिलाते हैं। पेट्रोल में क्या करते हैं, ये
पेट्रोल में एथेनॉल, बेंजीन और ईथर मिलाकर जो अल्कोहल तैयार किया जाता है उसे पावर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग जो शक्ति जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को उच्च मात्रा में उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और चौथा इसके अंदर आता है जिसका नाम है विकृतिकृत अल्कोहल। क्या नाम है? विकृतिकृत अल्कोहल। विकृतिकृत अल्कोहल का मतलब यह है कि अल्कोहल जो होता है अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए, पीने के अयोग्य बनाने के लिए, मतलब ये है कि हम कहते हैं ना कि एथेनॉल है, जो नॉर्मली जब अल्कोहल का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज होती है, उसका सेवन करो। लेकिन उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसका सेवन करने से हमारा तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है ना। तो उसके हिसाब से इसमें ये बताया गया है कि इसको विकृतिकृत अल्कोहल यानी अल्कोहल की गुणता को क्या करना, समाप्त कर देना। तो उसको समाप्त करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाते हैं, मेथेनॉल मिलाते हैं। एक तो क्या मिलाओगे, मेथेनॉल, एक साथ में इसके अंदर पिरिडीन क्षारक होते हैं। इन पिरिडीन क्षारक को जब इसके अंदर मिलाएंगे, देखो मैंने मेथेनॉल के उपयोग में भी बताया था कि मेथेनॉल का उपयोग विकृतिकृत अल्कोहल या अल्कोहल के विकृतिकरण के अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से मेथेनॉल और पिरिडीन क्षारक इसके अंदर मिला देते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। तो ये पीने के योग्य नहीं रहता है। तो ये चार है, चार में से कोई भी एक नंबर के सवाल में पूछा जाएगा। आपको क्या पूछेंगे, पावर अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, या परिशोधित स्पिरिट क्या होता है, तो इसमें ये दोनों बताने, परिशुद्ध क्या होता है तो ये बताना है, और विकृतिकृत अल्कोहल क्या होता है तो इसके अंदर ये बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, मेथेनॉल है, पिरिडीन है, क्षारक है, रंजक वगैरह कहीं और भी ज्यादा इसके साथ में मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अल्कोहल वाला मुख्य भाग खत्म हो गया। अब इसके अंदर साथ में दिया गया जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और एक दिया गया ग्लिसरॉल क्या होता है, तो उसके उपयोग वगैरह जो मैं इसके साथ में अपने फोटो अटैच कर रहा हूँ उसमें उसके उपयोग दिए गए, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न में हम शुरू करेंगे पार्ट का सेकेंड भाग, फिनॉल। धन्यवाद।